दीनदयाल वाहिनी के समर्थक बीजेपी मुख्यालय के सामने आज प्रदर्शन करने पहुंचे। उन्होंने घनश्याम तिवाड़ी के पक्ष में जिंदाबाद के नारे लगाए। दीनदयाल वाहिनी के कार्यकर्ता सुमित खंडेलवाल का आज जन्मदिन था। इसके चलते बीजेपी मुख्यालय के सामने पहुंचे कार्यकर्ता घनश्याम तिवाड़ी के पक्ष में नारे लगाकर अपनी ताकत दिखाते नजर आए। इस मौके पर खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा अब वसुंधरा बीजेपी की हो चुकी है। ये सम्मान की लड़ाई उन सभी राजस्थान के कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने आज बीजेपी को इस कदर और इस गद्दी पे लाके बैठा है, क्योंकि आज जो बीजेपी जिस गद्दी पे बैठी है उसका शेयर उनके चुनिंदा नेताओं को ही नहीं जाता है, उनका शेयर इन सभी कार्यकर्ताओं को जाता है जिनको गद्दी पे आने के बाद ये लोग भूल चुके हैं। तो हमने राजस्थान में एक अलग जगाने की क्रांति शुरू कर दी है और एक क्रांति सभा हम लोग थोड़े दिन बाद करने वाले हैं और युवाओं को जागरूक करने वाले हैं। राजस्थान में घर घर जाके हम युवाओं को जोड़ेंगे और दीनदयाल जी के जो विचार थे उन पे हम चल के राजस्थान में जो उनके सिद्धांत थे उसी पे राजस्थान को हम चलाएंगे और राजस्थान का विकास के लिए हम पूर्ण जोर से ताकत लगा के राजस्थान को कंधे से कंधा है हर एक कार्यकर्ता का मिला के हम आगे बढ़ेंगे और राजस्थान में भ्रष्टाचारी आतंक का खत्म करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी का कहना था कि अनुशासन समिति के सामने यह मामला है और केंद्रीय नेतृत्व इस मामले को देख रहा है।